नहीं मिला। पहली शीदी रुकन असेंबली तंजीला कमरानी सूबाई असेंबली की रुकन बन गई। शीदी कबीले से ताल्लुक रखने वाली बदीन की तंजीला कमरानी को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया। तंजीला मखसूस अफ्रीकी और सिंधी अंदाज में असेंबली में हल्फ उठाने आई। सिंध असेंबली के बाहर उनके साथ हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो ने बात की, आइए देखते हैं। इस वक्त सिंध असेंबली की एक ऐसी रुकन असेंबली जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, जी रहा है, जी हाँ, आप समझ गए, तंजीला कमरानी जो कि शीदी होने पर उनको फख्र है और वो अपने इस फख्र पर नाज करती हुई सिंध असेंबली में आई हैं। बदीन के इलाके से उनका ताल्लुक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें इसने शरकत किया और आज वो हलफ उठाने आए। कैसा लग रहा है आपको? ओ वाह वाह, रवायती शीदी बादशाह, हम बादशाह, शीदी बादशाह, हम बादशाह। वाह वाह, आज पहले तो आप अपनी इस ड्रेस के बारे में बताइएगा कि ये क्या काकटेल है, क्या कलर है, क्या मिक्सचर है? ये एक मैसेज है कि अफ्रीका ने अपना, अफ्रीका यहाँ आया था लेकिन सिंध ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, अपना समझ लिया है। सिंध की धरती छा गई है अफ्रीका पे। अच्छा, सिंध की धरती अफ्रीका पर छा गई है और आप सिंध असेंबली पर छाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, आई एम वेरी मच एक्टिव एंड वेरी मच रेडी। अच्छा, सिंधी जबान, उर्दू, अंग्रेजी सब, और फिर काकटेल कलर ये, और फिर आज, अच्छा, इससे अफ्रीकी जो है इसमें अजरक का इजाफा है? बिल्कुल, अजरक का इजाफा है और मेरा अपना, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध की जाई हूँ, मैं सिंध की बेटी हूँ। अच्छा, आपने ये जो पहने हुए झुमके, इसको क्या कहेंगे? ये अफ्रीकन झुमके होते हैं जो कि अफ्रीका लेडीज पहनती हैं जब किसी भी खुशी की जगह पे जाना हो या ट्रेडिशनल जगह पे जाना हो। सो ये स्पेशली अफ्रीका से आए हैं। तंजीला कह रही है कि आज यानी अफ्रीका जो है वो सिंध असेंबली में आया है और अफ्रीकी ड्रेस, उसमें अजरक का काकटेल, फिर उसमें वो सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी सब ये आई हैं तंजीला, और आज सिंध असेंबली में हलफ लेंगे।